मैंने अपने जीवन काल में जो भी शक्तियां प्राप्त की हैं मेरे इकलौते बेटे होने के नाते, वो तुम्हें दे रहा हूं मैं। अपनी इन दिव्य शक्तियों की सहायता से मेरी जादुई बोतल में तुम उस जिनी को कैद कर पाओगे जिसका पता किसी को नहीं है। ये एक ऐसा अदृश्य जिनी है जो पिछले 500 सालों से एक मंदिर में बंद है। उसकी शरारतों की वजह से एक तांत्रिक ने उसे भूत बना दिया था। इस भूत को तांत्रिक और बुरी शक्तियों से डर लगता है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जो उसे आजाद करता है वो उस जिनी का मालिक बन जाता है और अपने आका की बात मानना उसका कर्तव्य बन जाता है। जिनी को एक और चीज काबू करती है जो जादुई बोतल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो है ये। अद्भुत शक्तियां हैं इस जादुई छड़ी में। वो भूत और ये जादुई छड़ी जब तुम्हारे पास होगी तब पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। वो भूत अगर तुम्हारे काबू में आ गया तो तुम उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकते हो। पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। ये एक पिता का आशीर्वाद है अपने बेटे को। अब से तुम मेरे गुलाम हो। जो कहूंगा वही करोगे। अब तुम्हारा जीवन और मुक्ति मेरे हाथ में है। तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही होगा, नहीं तो जो सजा मैं दूंगा बहुत ही भयानक होगी। इस बोतल में आ जाओ। आओ। So watch your step, cause do what you're told. Yeah, do what you're told. Come on now. दिल थाम, क्योंकि आ रहे हैं जिमी भाईजान, हमारी सर्कस की शान। जिमी 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 जिमी
चोर है। रुक रुक, कहाँ जाता है? रुक, जाता कहाँ है? तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और चोरी शुरू कर दी। तो मैं और क्या करूँ, भूख लगी थी, चार दिनों से कुछ नहीं खाया। नाम क्या है तेरा? राजा। इसे कुछ खाने को दे दो, जा खा ले। तू रहता कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। मुझे लगता है मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है। हाँ, मैंने तुझे एक दूसरे बच्चे के साथ भीख मांगते देखा। चलो इधर आओ। छोड़ो इस बच्चे को। क्यों रे, भागने का बड़ा शौक है? छोड़ो बच्चे को, क्यों मार रहे हो उसे? मैं कहता हूँ छोड़ दे बच्चे को। मैं जोसेफ माइकल का आदमी हूँ, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, समझा? अंकल, अंकल बचाओ, अंकल बचाओ, अंकल बचाओ। जिमी देखो, वो बच्चे को ले जा रहे हैं। चल मैं हूँ शिशु बालन, जिमी भाई का आदमी हूँ। बच्ची को मेरे हवाले कर दे। अंकल, अंकल। मुझे लगा तुम आकर मेरी मदद करोगे, लेकिन उसने तो मेरा चमड़ा हिला दिया। वो बच्चा उनके चंगुल से भाग आया होगा, वो आके उसे ले गए, तुम उनसे क्यों उलझे? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दूसरे के मामले में पढ़ने की जरूरत क्या है? क्या कहा? हा? ये बात है, वो माइकल का आदमी यहाँ आकर मुझे मार के जाता है और आप लोग बोलते हैं चलेगा चलेगा। तुम माइकल को जानते नहीं हो, वो बच्चों को भिखारी बनाता है, उन बच्चों के हाथ पैर तोड़ के उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देता है और फिर शाम को आकर उनसे कलेक्शन वसूलता है और उन पैसों से अय्याशी करता है। अब हम उस गुंडे से क्यों उलझे? इस कमीने माइकल का अड्डा जानते हो? उसका अड्डा शमशान के अंदर है। अब तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मुझे, आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं नहीं चाहता कि उस माइकल की वजह से वो बच्चे अपंग हो जाएं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चल बैठ। हाँ भाई। माइकल को साइकिल पे बिठा के आया। पेटी भर का है, फिर भी माइकल के अड्डे से भागने की कोशिश की तूने। इस गलती के लिए मैं तेरे टुकड़े करके सड़क के कुत्तों को खिला दूंगा। अच्छा तुझे नहीं मालूम तो कल को ये गलती कोई और बच्चा करेगा। चलो एक काम करते हैं, इसकी टांगें काट कर इससे भीख मंगवाते हैं। मेरे अड्डे से भागेगा तो। कौन है तू? ये जिमी भाई है, तेरी पुंगी बजाने आए। इन बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लंगड़ों को लोग भीख जरूर देते हैं। आ जाओ।
इतनी ज्यादा टेंशन लोगे तो वक्त से पहले ऊपर चले जाओगे। उस कमीने माइकल को सबक सिखाना था तो जिमी ने वो पूरा कर दिया। चलो अब टेंशन को इस चाय में घोटकर पी जाओ। हाँ, ए, कहाँ जा रहा है? रुक जा शेरू, रुक शेरू, आजा मेरे शेर, आजा आजा, घर जाने का टाइम हो गया, परेशान कर रखा है। लगता है पुलिस माइकल के बारे में पूछने आ रही है, यहाँ से निकलने में समझदारी है। Come on! क्या करूँ, बजे में जाऊँ? मैं बोल रहा हूँ रुक! ऐ रुक जा! ऐसे बैठता हूँ कि इनको भी शर्म आएगी। आई तू भाग क्यों रहा था? थोड़ा सा पेट खराब है इसलिए हल्का हो रहा था। सॉरी डिस्टर्ब किया। थैंक यू। कच्चे पहन के हल्का होना क्या नया स्टाइल है? अच्छा, मैंने कच्चा पहना हुआ है, जल्दबाजी में। बोका गधा, इतना मारेंगे तो नीचे का माल ऊपर से निकलेगा। क्या तू वही सर्कस वाला जिमी है? मैं तो जू वाला जिमी भी नहीं हूँ। तो गलत आदमी। तो फिर जिमी? ए जिमी, फटाफट सर कैच है। पहले आप सर। तुम सर्कस वाले जिमी हो? सर वो जिमी तो। तू चुप हो जा। क्या तुम सर्कस वाले जिमी हो? सर वो तो एक अबला नारी है। सर हो सकता है जिमी ने अपना भेष बदला हो। यस यस, तलाशी लेकर देखते हैं। हाँ सर, पहले आप। सर जिमी, मैंने कहा ना चुप हो जा। सर ये जिमी की बहन है, जिस हाथ से छुओगे वो हाथ वो तोड़ देगा, धोना और खाना एक ही हाथ से पड़ेगा। सर आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, तलाशी मत लीजिए। आप तलाशी नहीं ले रहे? तुम्हें देखा ही नहीं देता एक नारी है? क्या अब तक कुमारी है? देखिए इंस्पेक्टर साहब। अरे बोला ना तू चुप। मैं चुप नहीं रहूंगा, इतनी देर से आप जिमी के बारे में पूछ रहे हैं, आखिर बात क्या है? अरे भड़कते क्यों यार, ये ओडी का तो कुछ इज्जत करो। कल रात जिमी ने माइकल को बुरी तरह पीटा, उसका टिकट कभी भी कट सकता है, मगर जिमी सरेंडर किया तो बच सकता है, अगर नहीं किया तो जेल में चाकी पिसिंग एंड पिसिंग। मेरा हाथ टंग सब कानून से लंबा है, वो कहीं भी छुपा हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जब तक उसे मैं पकड़ न लूं तब तक मैं बाजू वाली का शक्ल नहीं देखूंगा। कम ऑन। पहले आप सर। रुक जाओ जी। जिमी तुम माधव भट्टाचार्य के साथ पंगा ले लिया। स्टॉप, मेरा प्रमोशन और कोई नहीं ले सकता। लेकिन सर। चुप हो जा बोका। आए, चले आए, चले आए, चले आए, आ जा। You are under arrest. बोला गला। भागो, भागो। अपनी अपनी लैंग्वेज बचाओ। आई, भाग, भाग। ये तो मेरे बीबी से भी ज़्यादा खतरनाक है। फटाफट। भागा तो ऐसे जैसे इसके पर लग गए। चलो उतरो 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 उतरो, घर आ गया। तुम्हारे चेहरे पर बारह क्यों मचे हुए हैं? इन बच्चों को बचाने के लिए कल तुमने जिस गुंडे की पिटाई की थी उसकी हालत नाजुक हो गई है। पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। एक सेकंड पहले अगर तुम यहाँ होते तो अरेस्ट हो गए होते। इतनी सी बात को लेकर तुम क्यों परेशान हो? वो सब छोड़ो, बच्चों को भूख लगी है। भूख लगी है? खाने में लड्डू है? लड्डू खाएगा साले। हाँ? देखो मीनाक्षी, मेरा दोस्त फिलिपो आया है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि आज से जंबो सर्कस इस शहर में है। दरअसल आज सुबह ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूँ। अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि आज ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारे छोटे सर्कस को भला कौन देखेगा? तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मेरे होते हुए तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कल मेरे सर्कस का उद्घाटन है, इस शो को हाउसफुल करना ही होगा, इसलिए मैं जिमी को अपने सर्कस में शामिल करना चाहता हूँ। अगर हमारा परफॉर्मेंस हमारे पहले दर्शकों को पसंद आ जाता है तो पूरे शहर में हमारे सर्कस का बोलबाला रहेगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तुम पर ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मेरे सर्कस में खतरनाक खेल दिखाने वाला ग्रुप हड़ताल पर है, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पे रहेंगे। अब क्या करूं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। कई बार सोचा कि ये सर्कस को बंद कर दूं, पर यार जब मैं अपने यहाँ काम करने वालों के चेहरे देखता हूँ तब मेरा दिल उनकी वजह से पिघल जाता है। शो का हिट होना जिमी के हक में है, प्लीज उसे मना लो। लेकिन मैं जिमी से। अगर जिमी ना कर दी ना तो कल के शो का सुपर हिट होना तय है। तुम तो जिमी को जानते हो, वो नहीं मानेगा। वो जरूर मानेगा, वो तुम्हें अपना गुरु मानता है और वो गुरु को इनकार नहीं कर पाएगा।
अगर उन हड़ताल करने वालों के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा तो यकीन मानो मैं अपनी जान दे दूंगा। हेलो, मैं माधव भट्टाचार्या स्पीकिंग। ओके ओके ओके, फटाफटी बाबा को लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, उड़ी बाबा रे। क्या रे, कुछ उड़ के पानी में गिरा ना? सर, किसी ने नहीं देखा। ओ फटाफटी, तो फिर चलते हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, फिलिपोस को हमारी मांग पूरी करनी है। उसका ये सर्कस क्या खाक चलेगा हमारे बिना? बस करो, एक आम इंसान से ये सर्कस का मैं मालिक बना, लेकिन मैंने किसी से धोखा या चोरी चकारी कभी नहीं की। दिन रात की मेहनत से मैंने ये सब हासिल किया। मैंने सोचा तुम लोग इस सर्कस में सिर्फ नौकर ही नहीं बल्कि मेरे परिवार हो। अब तुम लोग मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने कितने भी हाथ पैर जोड़ो, मैं तुम्हारी मांग नहीं पूरी करूंगा। म्यूजिक शुरू करो। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखा, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे प्यारे दर्शकों, अब होगी घोड़सवारी, जिम्मी का अगला आइटम। बहुत अच्छे जिम्मी, अब कृष्णा तू आ गए। और जिमी का अगला करतब देखिए, देखिए, लगाम से हाथ छोड़कर जमीन को छूते हुए। क्या बात है जिमी, बहुत अच्छे। बच्चों मजा आ रहा है, चाचा जी चाची जी भी खुश लग रही हैं। और ये देखिए जिमी का अगला करतब, और काकुआ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रोमांचक। इस खेल में आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन जिमी भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मौत के कुएं के खेल के बाद तैयार हो जाइए। चुन्नू और मुन्नी, अंकल और आंटी, भैया और भाभी, जिमी का नंबर वन आइटम स्वागत कीजिए। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। जिमी अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा, फिर वो निशाना लगाएगा और सामने वाले को खरोंच तक नहीं आएगी। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जिमी के अलावा ये करतब कोई नहीं कर सकता। है किसी में हिम्मत तो सामने आए, स्टेज पर आए और इस करतब का हिस्सा बने। क्यों, क्या हो गया? क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जिसमें मर्द का जिगर हो जो जिमी के चाकुओं का सामना कर सके? सामने आओ और इस करतब का हिस्सा बनो। क्यों अंकल, आओ ना मेरे गोले रसगुल्ले। जिमी, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा जिमी भाई के साथ एक ही स्टेज पर। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। भाइयों बहनों, दिल थाम के बैठिए, हमारी तलाश अब पूरी हुई।
देखिए हमारे सामने आ रहे हैं बहादुर पुलिस सब इंस्पेक्टर माधव चंद्र भट्टाचार्य जी। आइए सर, आप बहुत आइए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। लेकिन सर, लोगों को लग रहा है कि आपने खेल में हिस्सा लेने के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रहे हो, कौन सा खेल? चाकू का निशाने वाला खेल सर। चलिए दिखा दीजिए सबको आप कितने बहादुर हैं। प्यारे दर्शकों, अब हमारा आइटम शुरू होने वाला है, तो इंस्पेक्टर साहब के लिए तालियां। इतना बहादुर इंस्पेक्टर हमने आज तक नहीं देखा है। अरे ये क्या करने की सोच रहा है? निशाना लगाने वाला है सर। अरे बाबा, आप टेंशन मत लो, पिछली बार वाले को चाकू लगा था ना, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, पांच पांच डायपर लगे थे। मेरा तो गीला पीला सब हो गया है। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, हमारे इंस्पेक्टर साहब बहादुरी का नमूना देंगे। चाकू भी लग जाए तो वो हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे और साबित कर देंगे कि किस तरह वो हमारे शहर की रक्षा करते हैं। बाबा को लगे 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 बच गया बच गया लगे लगे बच गया। ये किस जन्म का बदला ले रहा है? इसी जन्म का। बच गया, ये ऊपर वाले मेरे को बचा ले, फिर बच गया, बच गया, कुछ बताओ। नहीं बच गया, वरना बैटिंग कैसे करता? पहली बार तब हलाल हुआ तो जब शादी का मंडप में बैठा था, और दूसरी बार आज हूँ जब मैं जिमी को पकड़ने के लिए निकला। जिमी भाई तो कमाल है, पर मुझे गर्व है इंस्पेक्टर साहब पर, जो बिना डरे हमारे देश की सेवा करते हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। जिमी ने मेरी इज्जत बचा ली। इसके आने से हमारे सर्कस में चार चांद लग गए हैं। अब इस शहर में ही क्या पूरी दुनिया में हमारे चर्चे होंगे। जरा खड़े हो जाओ। ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, ये लॉकेट मेरे पिताजी का है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बेटा, तुम्हें अपना हुनर सड़क पे नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी कोई कदर करने वाला नहीं है। तुम मेरे सर्कस के साथ जुड़ जाओ। सोच के बताता हूँ। चलिए ना, काफी देर हो गई, घर नहीं जाना क्या? हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन क्यों? हा? सुनो जिमी, आज तक तुम कहते रहे, मैं सुनता रहा, आज मैं कहूँगा और तुम सुनोगे और मेरी बात मानोगे भी। हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले बताते तो दो लंगोट और ले आता। कृष्णा ने कुछ सोच समझ के ही यहाँ रहने का फैसला किया है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर तुम लोग चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। माना कि आज से मैं यहाँ रहने वाला हूँ, लेकिन एक बार मुझे अपने सर्कस जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ खास सामान है जो सुबह तक यहाँ ले आऊंगा। अच्छा जिमी, चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह तक जरूर आ जाना। तुम्हारा आइटम देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ होने वाली है। बहुत ही भला आदमी है, हम किस्मत वाले हैं कि ये हमें मिला। ये मिस्टर रॉबिन, इस सर्कस के जनरल मैनेजर हैं। तो वह बॉडी कहाँ पर है? टेंट के अंदर। चलिए सर। 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 आज सुबह जब नौकरानी फिलिपो सर को चाय देने आई तो उन्हें इस हालत में पाया। सर, जो भी डेली का कलेक्शन होता है उसे हम अलमारी में रखते हैं, पर वो वहाँ नहीं है। आपसे एक और चीज कहनी थी, ये गले में हीरे का लॉकेट भी पहनते थे, वो भी गायब है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि खून पैसों के लिए किया गया है। जी सर। कोई है जिस पे आपको शक हो? आप मुझे सिर्फ शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिमी ने मालिक का कत्ल पूरी प्लानिंग से किया है। जिमी। क्या हुआ, तू साथ नहीं चलेगा? अब हम सड़क पे नहीं रहेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। अरे कुत्ते के दिन आते हैं, तेरे भी आ गए।
क्या हुआ सर? हमें तुम्हारी और इस जगह की तलाशी लेनी है, ढूंढो। सर लेकिन सर सर एक मामूली लॉकेट और छोटी सी रकम के लिए तुमने फिलिपो का खून करके अच्छा नहीं किया जिमी। आपको गलत फहमी हो गई सर, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारी गलत फहमी को तो मैं ससुराल में दूर करता हूँ जिमी। वेलकम नैन्सी। हेलो। हेलो। हेलो, क्या कहा? मैडम एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। अरे सुनो, मैडम बस पहुंचने ही वाली हैं। अच्छा। मैं हूँ कोरा, कैशियर कोरा। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको भूली नहीं हूँ। तुमने मुझे सर बुलाया? मेरे पापा भी तो आपको यही बुलाते थे। उनके साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। चलो अंदर, चलो चलो। नैन्सी, ये है मिस्टर राम नारायण, हमारे पीआर। हेलो। हाय। नमस्ते मैडम। पीछे हटो, क्या कर रहे हो? मैडम से मिलने आए हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम लोग यहाँ आ गए हो तो काम कौन करेगा? आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? सिर्फ मिलने ही तो आए हैं। मेरे पापा को। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो कातिल पक्का चोरी करने के इरादे से आया था। नहीं, आई थिंक इट्स अ प्लान्ड मर्डर। फिलिपो सर का बचपन का दोस्त कृष्णा, गोद लिया बेटा जिमी और उसकी बेटी अपनी चिल्लर पार्टी के साथ इस सर्कस पे कब्जा जमाने के मकसद से आए। जानती हो वो कमीना बदमाश जिमी बहुत बड़ा गुंडा है। जिमी तो जेल में सजा काट रहा है, बाकी रही बात कृष्णा और उसकी चिल्लर पार्टी की, तो हम उनको इस सर्कस में ही सजा दे रहे हैं। कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। अच्छा खासा एक्शन सीन चल रहा था, मैं सब लोग को धो रहा था, उठा के मरवा दिया ना। अरे शिशुपालन, लंदन से आज ही फिलिपो की बेटी यहाँ आई है। भूख तुझे नहीं मुझे भी लगी है, मैं केले खा लूंगा, तू केले के पत्ते खा लेना। सुनो बेटी मीनाक्षी, अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ पिताजी? अरे फिलिपो की बेटी यहाँ आ गई है। जरा इसको देखो बेटी, तुमने मुझे पहचाना नहीं बेटी। रुक जाओ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो बस अपने दोस्त की बेटी से मिलने आया हूँ। मालिक को अपना दोस्त कहते हो? है लड़की, कपड़े धुल गए कि नहीं? बस दो मिनट मिलने दीजिए, फिर चला जाऊंगा सर। वो तुझसे मिलना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मुझे बस अभी अभी पता चला कि तुम लौट आई हो।
मैं यहाँ तुमसे, तुम्हारी बेटी से मिलने नहीं आई हूँ और ना ही उन बेवकूफों से। पापा तो यहाँ दूसरों की मदद करना ही अपना धर्म मानते थे, तुम्हारी भी मदद की तो क्यों तुमने मेरे पापा को मार दिया? पर दोस्त के नाते तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देनी चाहिए पापा ने, और तुमने उसका ये सिला दिया, उनका कत्ल कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? जो तुमसे कहा गया है वो झूठ है। मेरा जेमी तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये सब गलत फहमी है। तुमने हमारे सर को मारने में उसकी मदद की थी, अब तुम भोले बनकर उस खूनी को बचा रहे हो? चलो निकले यहाँ से। सर, आप सब मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुमसे कहा ना यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। बेटी तुम तो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। इन्हें इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इन्हें इनकी सजा मिलेगी, पुलिस और गुंडों से तो मैंने जब चाहे पिटवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें ऐसी सजा देनी है कि मौत भी कांप उठे। सिर्फ इसका ही नहीं मैडम, उसके बाकी साथियों के साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए। वही तो, हम इसीलिए उनसे खतरनाक खेलों की प्रैक्टिस करवाते हैं, इससे उनको सजा मिल जाती है और हमारे सर्कस की आमदनी भी बढ़ जाती है। एक बार अब्बास खान की ट्रेनिंग देखो, सच में मजा आएगा। चलो सीधे सीधे आगे बढ़ते रहो, नीचे नहीं सामने देखो। चलो यहाँ पैर रखो, चलो घर की रही हो, सामने 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 देखो, सामने। इतना आसान करता भी नहीं कर पाई। इसे मत मारिए सर, इन नन्हे बच्चों से इतने खतरनाक खेल की प्रैक्टिस मत करवाइए, इन्हें इसकी आदत नहीं है। तो चुप, बकवास बंद करो, ये कोई अनाथालय नहीं है जहाँ तुम सब मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगे। इसलिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके। जबान चलाता है साले, अपनी औकात में रह के बात क्या कर। अगर आज के शो में कोई भी गलती हुई तो कान खोल कर सुन लो सब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो जल्दी हाथ बढ़ाओ, तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो जैसे पिकनिक में आए हो। चलो चलो जल्दी करो। इतना तो सोचो, इन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं खाया है। ओहो, तो क्या इनके लिए चिकन बिरयानी मंगवाए? चलो चलो जल्दी साफ सफाई करो और सुबह 4 बजे प्रैक्टिस के लिए आ जाना। चलो चलो जल्दी करो। हे ईश्वर, अगले जन्म में प्लीज इसे मेरा पालतू कुत्ता बनाना। पालतू कुत्ता? ताकि इस कुत्ते का मैं खून पी जाऊं। अच्छा अच्छा, आप काम करो। फिगो से ये तुम क्या खा रहे हो? जी, कल से कुछ नहीं खाया। जिम्मी अंकल होते तो हमें रोज आइसक्रीम खिलाते। और क्या, आप उन इस तरह मजदूरी नहीं कर रहे होता? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप उन लोग जब तक इधर की सफाई खत्म करेगा तब तक सुबह हो चुकी होगी, फिर वो हंटर वाला मामू आएगा और अपन लोग की हड्डियाँ चमकाएगा। बच्चों, ये लोग हमें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम जिम्मी के दोस्त हैं। लगता है भगवान भी अपन के दर्द को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान सब देख रहा है, प्रार्थना करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
ए मछली कैसे दी? पूरी 2500 की। इसको दे दे। ये ले पकड़। ले जा। आज जिम जाने की जरूरत नहीं। इतनी मेहनत करके क्या फायदा? सारा तो मालिक लोग खा लेंगे, हमको तो इसकी पूंछ तक नहीं मिलेगी। इंग्लिश दारू की बाटली? साला आजकल चीता नहीं मच्छी भी पीता है, यही पी के इसका लिवर सड़ गया होगा। देखो ना, ऐसा लगता है लिवर भी सूज गया है। इसीलिए इस मछली का वजन इतना ज्यादा था। ये बेकार का भंगार है, फेंक दे इसे। अरे तेरा 2.5 किलो का टांग अपने पास रख, समझा ना। ये मेरी है। ये तेरे को कहाँ मिली? टेंट के पिछवाड़े से मिली। मेरी चीज़ है ना? पर इसके अंदर क्या होएगा? बोतल के अंदर मोमबत्ती चल रही है क्या? इसे खोल के तो देखो। रुक, खोलता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। दोस्त? जी नहीं, मैं हूँ जीनी। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया, तुम मेरे मालिक हो। वैसे मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। लेकिन हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम तो धुआं बदबू भी आती होगी। छोटी मुंह और बड़ी बात। चलो अब अपनी कोई इच्छा बताओ। कोई भी इच्छा बोलूं? हाँ कोई भी। आप उन लोगों को इस बोतल में फिर से जाकर दिखाएगा तू? जैसी आपकी इच्छा। बच्चों, चिल्लम चिल्ली करके खुशी मिल गई तुम्हें? तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं छुपाया? साला 2 फुट का होगा, मुझे इतना बड़ा झूठ बोलता है? अपने कुछ नहीं छुपाया। और तू इधर आ। सच पता क्या चल रहा था यहाँ पे? नहीं तो खाल उधेड़ के रख दूंगा। क्यों इन बच्चों पर इतना जुल्म कर रहे हो तुम? ओ, आ गया यतीमों का पाप। अगर तो तू मेरे रास्ते में आया तो तेरी भी खैर नहीं। चले आ जाए। हट। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजेगा तो रिंग में आ जाना, समझे? टाइम पे नहीं आया तो हड्डी बस लेकर दूंगा। गुड नाइट। हेलो, स्वीट ड्रीम्स। इन जालिमों को तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। पर मैं ना माफ कर दूंगा। माफ कर दोगे? क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। बच्चों, तुम भी रात को इतना शोर क्यों कर रहे थे? हाँ। तुम सब सोए क्यों नहीं अब तक? अंकल, हम डर गए थे। हमें नींद में भूत के बुरे बुरे सपने आ रहे थे। सोने से पहले प्रार्थना कर लोगे तो कोई भूत नहीं आएगा। ये सपना नहीं, भूत सच में आया था। 1 मिनट, ये बोतल जो चमक रही है ना, इसके अंदर भूत मामू है, सचमुच का भूत। ये तो सुबह मछली में से निकली थी। जरा खोल के तो देख, बोतल में है क्या? अभी देखना कैसे स्टाइल से खोलता हूँ। लेकिन भूत रहेगा तो संभाल लेना। जी नहीं रहता तो घिसने पे निकल जाता, जैसे अपन सर्कस में घिस रहे। शिशुपालन, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ।
जैसे एक दोस्त करता है। तुम और दोस्त? शिशुपालन, शिशुपालन। पानी। क्या कहा? पानी। 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 जैसे आपकी इच्छा। पानी। 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 चलो मुंह खोलो और पी लो जितना पीना है। आपकी और कोई ख्वाहिश बोलो। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सब आपको ठीक से देख पाए। अच्छा एक काम करते हैं, तुम जो कहोगे मैं वो रूप धारण कर दूंगा। तुम ये अंकल की तरह बन सकते हो। जैसी आपकी इच्छा। सुनो भाई साहब, तुम्हारा ये रूप बहुत डरावना है, तुम इंसानी रूप में आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, पर एक बार इंसानी रूप धारण करने के बाद मैं कुछ और नहीं बन पाऊंगा, मैं तैयार हूँ। बताओ तुम्हारा मनपसंद इंसान कौन है, बताओ। आप उनका रजनीकांत, शाहरुख खान, जैकी चैन, धोनी। आप जिमी अंकल बन सकते हो। जिमी। जिमी अंकल? ये जिमी अंकल दिखते कैसे हैं भाई? किसी हीरो जैसे। बिल्कुल चकाचक, एक राजा जैसे। वो दिल का बहुत अच्छा है। बस बस अब देखना मेरा कमाल। हाँ जिमी अंकल। आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई। खुश तो हो गए, पर आपकी आवाज बदली है ना। तो फिर मैं किसकी आवाज में बोलूँ, मास्टर ब्लास्टर की? हाँ ऐसी आवाज चलेगी। हाँ कमाल की है। अरे वो क्या है ना कि हमारी दुनिया में मैं भी एक 500 साल का बच्चा ही हूँ। पर आपके सिंग क्यों है? हाँ जिमी को सिंग नहीं थे, शायद तुम्हें पता नहीं हमारी दुनिया में सिंग सिर्फ जानवरों को होते हैं। तुम्हें ये सिंग पसंद नहीं आए क्या? अरे हमारे यहाँ पर ये लेटेस्ट फैशन है बाबू, लेटेस्ट फैशन। पर अपुन के यहाँ तो सिंग रखना राक्षसों का फैशन है। तो फिर मैं इन्हें गायब कर देता हूँ। लग रहा हूँ ना मैं सुपरस्टार। हम आपको क्या बुलाए? मुझे? हाँ। तुम अपने जिमी अंकल को किस नाम से बुलाते हो? जिमी अंकल। तो फिर मुझे भूत अंकल बुलाओ। हाँ भूत अंकल। भूत अंकल कौन कौन देख सकता है आपको? मुझे वही देख सकता है जिसे मैं पसंद करता हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जी। अरे मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ इच्छाएं पूरे करते हैं। मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो बोलो। मैं फिल्म एक्ट्रेस कटरीना कैफ से मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना है? बस क्या ऊपर का माला खाली है? जयप्रदा बोलता तो हाँ बोल देते। अच्छा अंकल आप ही बता दो अब मुझे। हाँ बच्चों पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। इस सर्कस में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ वो अंकल आप उन लोगों को मारोगे ना? तुम बस उन लोगों का नाम बताओ, वो गुगली डालेंगे लेकिन छक्का मारने का काम मेरा। वाह क्या जुल्फे हैं। काम चोरू गाड़ी अब तक साफ नहीं की। हाँ बस हो ही गई। फाइनल टच। अब हट जाओ मनुसों। आजा मेरे मुन्ना। अकड़े से झाड़ती जैसे सर्कस ने पूरी दुनिया इसके बाप की गाड़ी ठुक जानी चाहिए इसकी। इस एक मिनट में जो भी कहा तुमने वो सब इसके साथ होगा। पर वो कैसे? पिज्जा पावर, गो गेट इट।
उसे सबक मैं सिखाऊंगा। नहीं जिनी, उस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो मेरे करीबी दोस्त फिलिपो की बेटी है। उसकी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाइला, जिंदा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मुंह से जब बोलूंगा तो आवाज सुनाई देगी ना? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। लेकिन क्यों? हैला, क्योंकि मेरा नाम मास्टर इंडिया है। क्या तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। अरे डरती क्यों? डर के आगे जीत है। काम हो गया तो सोच रहा हूँ निकल लूँ। मुझे यहाँ अकेले छोड़ दोगे? विचार क्या है? क्या तुम मुझे मेरे सर्किस तक पहुँचा दोगे? जैसी तुम्हारी इच्छा। बहादुर, राम अंकल, जानते हो क्या, हमारी नैंसी मैडम खाई में गिर गई। क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? आज सुबह ही। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बेचारे फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले अभी भी तुम्हारी बॉडी उस खाई में ढूंढ रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि तुम जिंदा हो। अरे जाओ ना अंदर, क्या देखती हो? हम फिर कब मिलेंगे? वैसे तुमने तो मुझे देखा नहीं है, लेकिन कोई भी मुसीबत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। जब मैं मुसीबत में हूँ? अरे मुसीबत नहीं समझती, मुसीबत मतलब प्रॉब्लम। अरे हिंदी नहीं पढ़ी हो क्या? चलो अंदर जाओ। अरे जाओ भी। अरे नैंसी मैडम, रॉबिन सर। बेटा तुम सही सलामत हो, अब हमारी जान में जान आई। हमें जैसे ही खबर मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे तो होश ही उड़ गए। कोरा सर ने हमें शांत किया। हाँ, सच है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, तुम जिंदा लौट आई। ये तुम्हारे पापा का आशीर्वाद है कि तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। रामनारायण जी, एक काम करो, पुलिस को फोन करके बता दो कि नैंसी वापस आ गई है और अब सब ठीक है। ठीक है, अब बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो। मुझे नहीं लगता ये कोई जीनी वीनी है, छोटा मोटा जादूगर लगता है। देखो, ये जिन लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते, इनका फर्ज होता है अपने आका की ख्वाहिशें पूरी करना। शक्ति हाथियों जैसी पर बुद्धि बच्चों जैसी। तो कहना चाहते हो कि शक्ति मेरी जैसी और बुद्धि इसकी जैसी? अरे क्या तुम भी आ गए? मुझे याद कर रहे थे तुम लोग। देखा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जरूरत के टाइम पे कभी नहीं आएगा। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। बात क्या है, कोई परेशानी है तुम्हें? एक बार उस लड़की की क्या मदद कर ली, वो मुझे हर वक्त याद करती है। तुम ही यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे अलावा उसकी मदद कौन कर सकता है? पर तुम्हें क्या परेशानी है? वो लड़की मुझे अपने असली रूप में देखना चाहती है। फिर चलो एक काम करते हैं, अगली पूर्णमासी की रात तुम उसे कहीं मिलने के लिए बुलाओ, जहाँ तुम अपना असली रूप उसे दिखा सको। अब जाओ। क्या आइडिया है? ये तुम कहाँ टाका भिड़वा रहे हो? एक भूत एक इंसान से कैसे प्यार कर सकता है? तुम नहीं समझोगे, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाय
महिला आ गई आ गई। वो आ गई है, यही मौका है उसे जाकर अपना असली रूप दिखाओ। जाओ। हेलो। मेरे सामने आओगे, देखना चाहती हूँ तुम्हें। इतने प्यार से बोलोगी तो इनकार कैसे करूँ? तुम्ही हो ना जिसने मेरे पापा को मारा, बताओ क्यों? ना बिगाड़ा था पापा ने तुम्हारा। रुक जा, ये लड़का जिमी नहीं है। बच्चों के जिद करने पर इस जिन ने अपना रूप जिमी जैसा बना लिया। सच कहूं बेटी, मुझे और इन बच्चों को कब से इस दिन का इंतजार था। इस जिनी ने ही हमें ये मौका दिया है कि आज हम अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख सके, हकीकत बयां कर सके। जिमी बेकसूर है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ जिमी की असलियत क्या है। वो खूनी नहीं है, बल्कि वो तो हमारा हीरो था। हालात और सबूत जिमी के खिलाफ थे, तभी उस निर्दोष को उम्र कैद हो गई। महीनों से इस बात का ही इंतजार था कि तुम यहाँ कब आओगी, ताकि हम अपनी बेगुनाही तुम्हारे सामने साबित कर सके। तो फिर पापा को किसने मारा? क्या ये उन लोगों में से कोई है जिन्हें पापा सर्किस से निकाल चुके थे? अगर मेरे पास अतीत में देखने की शक्ति होती तो मैं तुम्हें उस कातिल का नाम जरूर बता देता। पर अगर तुम्हें किसी पर भी शक है तो मैं उसका चेहरा देखकर ये बता सकता हूँ कि वो खूनी है या नहीं। सर्किस का मैनेजर रॉबिन्स? पीआरओ रामनाथन? नहीं नहीं। शोमैन तेजा? इनमें से कोई नहीं तो फिर कौन है वो? ये तूफान कैसा? क्या हो क्या रहा है ये? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है? तुम्हारा मतलब? यहाँ से चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। जाओ जाओ जाओ। मैंने जादू से तुम्हें अपने वश में कर लिया है, अब कहीं नहीं जा पाओगे। आओ। नहीं। आ जाओ, होटल में आओ। फंस गया वो,
क्या उसकी अपन लोग कोई मदद नहीं कर सकते? हम कैसे करेंगे? पुलिस से जाकर क्या ये कहेंगे कि तांत्रिक ने जिन्नी को बंदी बना लिया है? वो हमारा विश्वास तक नहीं करेंगे। अगर हमने ये बात किसी को बताई ना तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा, बल्कि पागलखाने में डाल देंगे। वो तांत्रिक भूत अंकल को मार डालेगा क्या? नहीं बेटा, मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव गुरु, कादर, राजा भाई, डेविस और श्याम सुंदर, मुझे अफसोस है कि अब इस सर्कस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना हिसाब किताब करो और निकलो यहाँ से। ये क्या सर, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तुम कौन होते हुए पूछने वाले? असल में इनके साथ तुम्हें भी होना चाहिए था। कोरा साहब, इसका भी हिसाब किताब कर दो। सर, आपने अगर मुझे निकाल दिया तो मैं तो खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊंगा, पर इन बुजुर्ग लोगों का क्या होगा? ये बेचारे जाएंगे कहाँ? देखो, तुम बहस मत करो, ये मैडम का फैसला है। ये क्या बेटी, तुमने इन गरीबों को निकालने का फैसला किया है? इनकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये बेचारे तो रास्ते पर आ जाएंगे। अरे लेकिन मैंने तो किसी को नहीं निकाला। इनका कहना है कि फैसला आपने लिया है। ये क्या रॉबिन, तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? वो क्या है, ये फैसला रानी मैडम का है। रानी मैडम? उसे किसने ये हक दिया कि वो इस सर्कस के फैसले ले? तुम्हारे पिताजी ने। क्या इन्हें बताना? सच बताने का समय आ गया रॉबिन, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा ने एक सच छुपाया है, उनकी दूसरी पत्नी है मेरी बेटी रानी। इन दोनों की शादी उनकी मौत से 3 महीने पहले हुई थी। अब मेरी बेटी इस सर्कस की मालकिन है। पूछ ले, ये सभी लोग इस रजिस्टर मैरिज के गवाह हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोरा सर, देखिए मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये सच्ची तो बोल रहे हैं। तुम भी किससे पूछ रही हो? इस गुनाह में सब शामिल हैं। इसे झूठ साबित करने के लिए तुम किसी भी कोर्ट में जा सकती हो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो कि हमारे पास शादी का प्रूफ है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। अब चली जाओ यहाँ से। चलो बेटी। मिल गया, ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रानी और फिलिपो ने रजिस्टर मैरिज यहीं पर की थी। आप देख सकते हैं। बेटी, लेकिन पापा मुझे बिना बताए ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम इन बातों पर विश्वास मत करो बेटी। तुम्हारे पिता का यह सर्कस उनकी अमानत है, हम हासिल करके रहेंगे। ये काम हम दोनों नहीं करेंगे, कोई और हमारी मदद करेगा। उसका नाम है जिमी, पर उसे जेल से निकालना होगा। तुम्हारा तो बड़े बड़े नामचीन लोगों के साथ उठना बैठना है, उन्हीं की मदद लेकर तुम्हें जिमी को जमानत पर छुड़ाना होगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए मैंने तुम्हारी बेल करवाई है, इस पर साइन करो। अगर नए सुपरिंटेंडेंट आ जाते ना तो तुम कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। मेरी बेल करवाने की रिश्वत तो तुम्हें मिल गई ना? ए, जमानत मिली है, रिहाई नहीं। संभाल कर रहना, तुम्हें 15 तारीख तक यहाँ वापस आना है। वो सब मुझे अच्छी तरह पता है। यहाँ आने के लिए मेरी कम से कम क्वालिफिकेशन भी नहीं, पर फिर भी मैं यहाँ हूँ। इस बात का इतना अफसोस है कि क्या बताऊं। जुर्म किसी और ने किया, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूं। उसके मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगा, आप यकीन करें चाहे ना करें। सर, फिर मैं सारे इम्तिहान दूंगा और आपको एक अच्छा आदमी बनकर दिखाऊंगा, यह वादा है मेरा। हाय 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 जिमी भाई, जेल में रह के भी सेहत का पूरा ख्याल रखा है आपने। खैर छोड़ो, अभी जब तक तुम जमानत पे बाहर हो ना, हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ। Thank you.
इस दुकान के अंदर जाओ और लॉकर में जितने भी हीरे जवाहरात और आभूषण है लेकर मेरे पास आओ। गलत बात, ये तो सरासर चोरी है। मुझे जो तुम लाने बोल रहे हो वो किसी और की अमानत है। अगर चोरी करोगे तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम मुझे ज्ञान मत दो और जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करो। जाओ। हमारे भूत अंकल को इसी तांत्रिक ने बंदी बनाया। चलो उसका पीछा करते हैं। चलो और तेज चलाओ। हट जाओ रास्ते से। जब तक आप उनके भूत अंकल को नहीं छोड़ोगे आप उन लोग नहीं हटेंगे। राजा जिमी अंकल दूर हो, दूर हो, कुछ नहीं हुआ। जिमी मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तुम उस कमरे को देखो। तुम जाओ, मैं आया। ओए सुन, वो जिमी है ना? जी हाँ सर। लगता है जेल से भगा है। सर इसको पकड़े तो आपका प्रमोशन पक्का। देर किस बात? पहले आप सर। कम ऑन लेट्स गो। बोतल से बाहर कैसे आए? बोतल से? बोतल से नहीं, जेल से आया हो, वो भी बेल पे छूट कर। कौन हो तुम? तूने मेरे बच्चे को मारा और पूछता है कि मैं कौन हूं? मैंने उस तांत्रिक को पहले कहीं देखा है। जहां गांडों को लाए वहां तू है। पर अब मैंने क्या किया सर?
आर्ग्यू करेगा तो अरेस्ट कर लूंगा। मेरी गलती क्या है? तुमने प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ क्यों की? अरे सर, ये कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, चोरों का अड्डा है। यहाँ वो अपना चोरी का माल छुपाते हैं। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। चलिए तो सही, ये देखिए। हाथ मत लगाना, दूर रहो। कुबेर का खजाना, पूरे जिंदगी में इतना पैसे कभी नहीं देखा। देखिए कितने सारे हीरे, ये सब मेरे हैं। इतने हीरे मैं फिल्मों में भी नहीं देखे। हमारा प्रमोशन तो पक्का है। पहले आप सर। अच्छा सर, ये जिनकी अमानत है उन तक पहुंच जानी चाहिए, देखना कोई गड़बड़ ना हो। और मेरे लिए आई देखो जिमी, वो तांत्रिक अगर कहीं दिखाई देगा तो मेरे को खबर कर देना। मैंने उसे पकड़ा तो मेरा प्रमोशन का चांसेस पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सर। थैंक। ये जिमी अंकल तो अच्छा आदमी है। चलो मस्ती टाइम। अरे बाइक चला रहे हो, हेलमेट किधर है? चिकने कौन है? तुम्हारा दोस्त। तो दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ गायब हो गए? है डरपोक साला। मैं डर नहीं रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते मेरे? आ गया। आईना देख रहा हूँ क्या? मुझे देख रहे हो? मैं हूँ सिंग इज किंग। तुमने मेरा रूप कैसे ले रखा? अरे तुम्हारे रूप पे कोई कॉपीराइट है क्या? मैं तो जिन हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ। वो क्या है कि मेरे पास बताना, ये देख रहे हो ना? अंधा थोड़ी हूँ, देख सकता हूँ। मुझे इससे डराने का कोई फायदा नहीं। चलो चलो बाइक शुरू करो, चलते हैं। लेकिन तुम क्यों मेरे साथ आओगे? जिन के लिए उसका आका ही उसके लिए सब कुछ होता है, जैसे कि तुम। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, ट्राई करके देखो। अरे यार तुम तो शर्मा रहे हो, मांगो मांगो, मांग कर देखो। इस वक्त सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है, हट जाओ। पक्का? क्या मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? कहीं मेरे बाप की आत्मा तो नहीं थी? शक्ल भी मिलती है। छह जिंदा रहता परेशान किया, मरने के बाद भी परेशानी। राजा कैसा है? उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है, मगर अब खतरे से बाहर है। ये है फिलिपो की बेटी नैन्सी। हेलो। हेलो। भाभी पे बुरी नजर नहीं डालते तो? अब फिर कहाँ चला गया? क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो तुम? आज तक मैंने कभी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं किया है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है यहाँ पर। वो हंसी सुनी? नहीं, मैं सुन सकता हूँ। जहाँ भी छुपा है बाहर आ, अगर तुझमें हिम्मत है तो सबके सामने आकर क्यों नहीं दिखाता? देखो बोरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये खुद को जीनी कहता है पर आप सब इसे कैसे जानते हैं? कहानी बहुत लंबी है। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर क्या कर सकते थे, होनी को कौन टाल सकता है। किसी भी तरह से हमें फिलिपो के सर्कस को वापस हासिल करना होगा। उससे पहले मैं पापा के कातिल को ढूंढना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम मेरी मदद करोगे? ये क्या कोई जेम्स बॉन्ड है जो कत्ल की गुत्थी सुलझाएगा? बात सही है, लेकिन कत्ल की गुत्थी सुलझाना इतना आसान काम नहीं है। तो तुम्हें जेल से आजाद करने का क्या फायदा हुआ? वो नहीं पता, पर तुम्हें आजाद करके बहुत बड़ी गलती की है। अब भूलो मत कि तुम्हें जमानत पर छुड़ाया गया है, खुद की बेगुनाही तो तुम्हें साबित करनी होगी। मुझे पूरा शक है सूसी और उसकी बेटी पर। पहले ये पता लगाना होगा कि फिलिपो सर की शादी
उसी की बेटी रानी से हुई भी थी या नहीं। सच पता करने के लिए मर चुके फिलिपो को वापस लाना होगा। ठीक कहा, फिलिपो सर को वापस आना ही पड़ेगा। होश में तो हो, मरा हुआ इंसान कभी वापस आता है? तो यह भूत किस दिन काम आएगा? हाइला, सुनो। बोलो। तुम अपना भेष बदल सकते हो? एक बार बदल ली ना, दोबारा मैं किसी और का रूप नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं किसी और को फिलिपो जरूर बना सकता हूँ। तुम मुझे फिलिपो बना सकते हो? मैं तुम्हें रजनी, सजनी या गजनी जो भी बोलो बना दूंगा, तुम खाली बोल के तो देखो। ठीक है, मैं बनूंगा फिलिपो सर। ये सूसी रहती कहाँ है? उन्होंने एक पुराना घर किराए पे लिया है, तुम वहाँ जाओगे? आप चिंता मत करिए। शिशुबालन बोलो, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। तुम क्या करने वाले हो? पता चल जाएगा। ओह, ये तो कोई भूत बंगले से कम नहीं लगता। ऊपर से नीचे तक फिलिपो सर, वाह वाह क्या बात है। सूसी और उसकी बेटी इन्हें देखकर ही पागल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, मेरा काम एकदम टॉप मोस्ट है। अब मुझे अंदर जाना चाहिए। अरे जिम्मी की आवाज में मत बोलो, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। ऐसे बोलो। अच्छा मैं समझ गया। तो फिर रुके क्यों, अंदर जाओ, बैंड बजाओ, चलो। अब मजा देखो। मार बेटी, दोनों की बैंड बज गई। ये फिलिपो का जुड़वा भाई कहाँ से आ गया? मुझे क्यों डरा रहे हो? उन्हें डराओ। ये क्या रहा है? भागो! घबरा क्यों रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। प्लीज इसे कुछ मत करना। तो फिर सच बताओ, क्या मैंने इससे शादी की थी? तुम लोग मेरी मौत की वजह हो। नहीं। तुम नहीं तो फिर और कौन? सब सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, बताती हूँ मैं। क्या क्या हुआ था सब बताती हूँ मैं। अच्छा जरा यहाँ पे साइन करो। फिलिपो जी, अब आपकी बारी है। अब अगर फिलिपो को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद और सर्कस की मालकिन सिर्फ हमारी रानी ही बनेगी। इतना ही नहीं, अगर फिलिपो सर मर गया तो उसकी सारी जायदाद और सर्कस रानी के नाम पे हो जाएगी, लेकिन फिलिपो सर के शमशान पहुंचने तक ये शादी का राज किसी को पता नहीं चलेगा। जालिमा, तुम सबने मिलके मुझे मार डाला। नहीं, नहीं, हमने आपको नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे सच बताओ, किसने फिलिपो सर की जान ली? वो क्या है कि... सच बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। उस रात तुम्हारे सर्कस से जाने के बाद हम वहाँ पहुंचे। आज तो सर बहुत खुश नजर आ रहे हो। मतलब खुश क्यों नहीं होंगे, हम तीनों को निकाल जो दिया है, हो गई आपके मन की इच्छा पूरी। हाँ हो गई। सर ऐसा करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब सजा तो मिलेगी।
मुझे ए, रुको, ये क्या कर रहे हो? अगर इन्हें मारा तो एक और पेपर कौन साइन करेगा? तुम भी इसमें शामिल हो? हाँ फिलिपो सर, और कोई चारा ही नहीं था। मैंने इस सर्कस को बनाया, दिन रात मेहनत और लगन से इस सर्कस को खड़ा करने वाला वो मैं था। मेरी खराब हालत की वजह से मैं उसे चला नहीं पाया, और चालाकी दिखाकर तुमने मुझसे इस सर्कस को बड़े सस्ते दामों में खरीद लिया और मुझे ही अकाउंटेंट बना दिया। तुम्हारा अकाउंटेंट तो बन गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश फिर से मालिक बनने की थी, इसलिए अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश शुरू की। और ठीक मेरे इशारे पर ये लड़की अपनी माँ को लेकर यहाँ आ गई। चूंकि ये तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। रानी मेरी बेटी है, रॉबिन मेरा दामाद है। बुढ़े, मेरी बेटी का चक्कर तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे मरने के बाद मैं दुनिया को बताऊंगा, और इसके लिए तुम दोनों की शादी के सबूत भी हमारे पास। अब तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, चुपचाप इस पर साइन कर दो, ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए, ना कि तुम्हारी बेटी के नाम। सोच क्या रहे हो भाई, चलो साइन तो कर लो। अगर तुमने साइन नहीं किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे अंगूठे की छाप ले लेंगे। बेहतर है तुम साइन कर दो भाई। मर जाऊंगा लेकिन ये सर्कस कभी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। मेरा कहा मानोगे या नहीं? नहीं। रॉबिन, अपना काम पूरा कर। मेरे दामाद हो यार तुम, तुमसे मैं ये काम कैसे करवाऊं? इस बुड्ढे की जान तो मैं ले लूंगा। पेपर कहाँ है? कल पुलिस जब यहां आएगी तो सारे सबूत उन्हें जिम्मी के खिलाफ ही मिलेंगे। शिशुबालन, बाहर आ जाओ। ये लो। तुमने अभी जो कुछ भी कहा इस कैमरे में हमने रिकॉर्ड कर लिया। उस बेकसूर इंसान को मारने के जुर्म में तुम्हारे पति को सजाए मौत और तुम दोनों को उम्र कैद। जेल जाओ, बहुत मजा आता है वहां। तो सच्चाई का पता लगा ही लिया तुमने? मैं बेल पर छूट के आया छुट्टियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को सच्चाई बताने। पहले यहाँ से जिंदा निकल के तो बताओ। ऐसी धमकियां मैंने बहुत सुनी है, रास्ते से हट जाओ वरना हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। चलो हटो रास्ते से। भूत अंकल, क्या यार, मैं भी जाके थोड़ा लड़ू? रहने दो, फाइट में जिमी भाई को किसी की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। तो क्या मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊं? आ जाओ ना। Yeah.
जाओ। इनसे मिलो, ये है मेरे नए दोस्त तांत्रिक सत्यातीर्थन। जो जीनी इनके यहाँ से भाग गया था अब वो तुम्हारे कब्जे में है और ये अपने जीनी को वापस लेने आए हैं। चलो इन्हें अपना जीनी वापस लौटा दो। और जानते हो ये कौन है? ये है नील कुमार, यहाँ के नए सुपरिंटेंडेंट। तुम्हें गिरफ्तार करने आए। जेल से तूने भाग कर बहुत बड़ी गलती। सर, मैं जेल से जमानत पे छूट के आया हूँ और मुझे कानूनी तौर पर रिहाई मिली। तुम्हें रिहाई मिली थी कुछ अच्छे काम करने के लिए, ना कि जुर्म करने के लिए। मारपीट करने वाला इंसान मुजरिम ही होता है। तुम अब जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। गिरफ्तार करो इसे। सर, ये बहुत गलत हो रहा है। चुप करो। चोरी ऊपर से सीना जोरी। असली चोर तो ये लोग हैं, वक्त आने पर पता चल जाएगा। चल चुपचाप। सर, एक मिनट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुझे जेल में अच्छी नींद आएगी। अब चल गाड़ी में। ओके सर। कैमरा तो है पर कैसेट गायब है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरी साजिश के पीछे कोरा का हाथ होगा। लेकिन अब कैसे हासिल होगा पापा के कातिल का सबूत? अपने जिमी को वापस लाने के लिए हमें वो कैमरा तलाशना होगा। वो तो मिल ही जाता, लेकिन तभी ये तांत्रिक को देखकर गायब हो गया। मुझ पर बेकार इल्जाम मत लगाओ, मैं तो वहीं था। मुझे लगता है कैमरा अभी भी उसी घर में होगा, पर अगर मैं वहां गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मामू कैमरा लाने में मदद करेगा ना? पगार देता है क्या मेरे को? मजाक छोड़, कैमरा चाहिए। ओहो, अगर उस घर में वापस गया तो तांत्रिक पकड़ लेगा। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? तू अपने प्लाज्मा पे चेक करना कैसेट कहां गई। दिव्य दृष्टि से क्या कुछ देखा तुमने? कैमरा और तांत्रिक दोनों भी वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ कैसेट वहाँ है। और वहाँ कुछ बाबी डॉल भी थी। बाबी डॉल? और मैं उनका डॉला मतलब दूल्हा? भाई मेरी मदद कर दे, मुझे इनविजिबल बना दे। अब कोई मुझे देख नहीं पाएगा ना। अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो वापस इंसान बना दूंगा। होशियारी और मैं? अरे वाह, प्रियंका, कटरीना, करीना, मेरा दिल तूने छीना, निकाल दिया पसीना। जीनी भाई, अगर इनमें से कोई एक भिलड़ की मुझे मिल गया ना तो मैं सर्कस की नौकरी छोड़ के इनकी गुलामी करूंगा। हाँ। खुद पर कंट्रोल रखो वरना तुम्हें असली रूप में ले आऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। तो पता है तुमने होते तो मेरा क्या होता? क्या होता? मैं इन सारी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता। तुम भूल रहे हो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। ओ, वो कैसेट के लिए है। मिस यू मेरी रानियों। देखो देखो ये रही कैसेट। वाह क्या बात है, कैसेट मिल गई। क्या बात है? मुझे कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मुझसे होशियारी? क्या समझा था मेरे शिकंजे से छूट जाओगे? ये भूल है तुम्हारी। मैं ये विशेष यज्ञ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा हर आदेश मानना ही होगा तुम्हें, और कोई चारा नहीं। जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं, मुझे उसके पास जाना ही होगा। उस पोंगा पंडित को रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसकी पूजा को भंग करना होगा। पर ये कैसे मुमकिन है? आई देखो जिमी, वो तांत्रिक अगर कहीं दिखाई देगा तो मेरे को खबर कर देना फटाफटी। देखो तुम्हें उस इंस्पेक्टर को फोन करना होगा। हाँ। वो तांत्रिक को ढूंढ रहा था। ये हुई ना बात, वो पुलिस वाला तांत्रिक को पकड़ लेगा। हेलो हेलो, महेंद्र सिंह बैनर्जी है क्या? ए, नाम सही पुकार लो, माधव चंद्र भट्टाचार्य। अरे वो सब ठीक है,
जिस ढोंगी तांत्रिक की आपको तलाश थी वो सर्कस के पीछे वाले पुराने मकान में इस वक्त कोई हवन कर रहा है। आप उसे प्यार कर लो, मतलब गिरफ्तार कर लो। अरे रुक जा, मैं यहाँ भी आया, चल। ओम वट स्वाहा। ये तो बाउंसर पे बोल कर रहा है मुझे। मैं जा रहा हूँ। स्वाहा स्वाहा। कांस्टेबल कम ऑन। जल्दी आओ। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। पास आओ मेरे। लगता है बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो चुका जी है। सर इसकी तो मैं क्या सोचा था तुमने? बच के निकल जाओगे? चलो आगे आओ। मुझे बुला रहा है? जल्दी करो। तुम इस बोतल में आओ। वो आपको बोतल में बंद कर गया सर। आओ। चुप कर और आके खोल। पुलिस को तू बोतल में बंद करेगा साले। चलो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। अपना मुंह बंद कर। अरे छड़ी मुझे दे। चल ये चल। अबे तुझे क्या लगा था रे ये जादू का छड़ी से मुझे बोतल में डालेगा? अब मैं तुझे जेल में डालूंगा। चल अबे मेरा शक्ल क्यों देख रहे? चल 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 बैठे। ये तांत्रिक इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। कोर्ट से जमानत लग गया तुम्हारे पीछे फिर से लग जाएगा। इसे परेशान करने के मेरे पास कई रास्ते हैं। जज साहब, जो ये शख्स यहाँ पर खड़ा है इसका नाम राजेंद्रन है और ये 48 साल का है और लोगों पर काला जादू करना इसका पेशा है। जेवर के दुकान से इसने हीरे जवाहरात चोरी किए और अपने अड्डे पर छिपा कर रखे। इसका पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर माधव चंद्र भट्टाचार्य जी ने। क्या तुम अपनी सफाई में इस अदालत को कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें क्या कुछ नहीं कहना? इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। झूठ है, झूठ है। मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुमने अभी तो अपना जुर्म कबूल किया सर। लेकिन वो मैं नहीं था। देखो वो अल्फाज उस भूत के थे। हाँ उसी भूत का करा धरा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भस्म कर दूंगा। खामोश। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जज की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। वकील साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। सर अरेस्ट हिम। वहां से निकलो। क्या रे तू प्रोसिक्यूटर को मारा? दाड़ा क्या कर रहे? सर मैं आपको नहीं मारना चाहता था। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर तूने हाथ उठाया? नहीं नहीं, पकड़ो पकड़ो। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे मुझे छोड़ दीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और राख बना दूंगा, तेरी हड्डियों को भस्म कर दूंगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सत्येंद्रन एक मुजरिम है। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया है और ये साबित हो चुका है कि उसने जेवर की दुकानों से चोरी की है, इसीलिए ये अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। दरवाजा खोलो। देखता क्या है, चल अंदर। बंद करो। तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दो। पहले तुम यहाँ अपनी सजा काट लो, फिर बाहर जाकर उसे ढूंढ लेना। नहीं, वो मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी। ज्यादा बकवास नहीं, डंडा देखा, मेरी जादू की छड़ी है ये, पेट में घुसा दूंगा अगर ज्यादा होशियारी की। चुपचाप जाकर अंदर बैठ। सर सर मुझसे गलती हो गई सर। सर सर मुझे वो छड़ी दे दीजिए सर। सर सर जरा
तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। एंजॉय। चलो ये तो अच्छी बात है कि तांत्रिक जेल में अपने को टेंशन नहीं, पर जिमी भाई के लिए अपन को थोड़ा सा अफसोस होता है। जिमी भाई को बाहर निकालने का तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तो तुम सब चाहते हो कि जिमी जेल से बाहर आ जाए? हाँ हाँ, तो ऐसे ही होगा। वो बदमाश चाहता है कि मैं उसकी जादू की छड़ी ढूंढूं। उस बेवकूफ को मैं कैसे बताऊं कि बिना रिश्वत के तो मैं खुजाता भी नहीं। चलो इसी बात पर शाम रंगीन करते हैं। ये दो ग्लास क्यों? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तुम देसी पियो, स्कॉच बहुत महंगी होती है। सर, सर, जैसा आप कहें सर। जी जी सर, हो जाएगा। अब कल वो हो जाएगा सर। आप आराम कीजिए सर। तुमने मेरी ड्रिंक पी? भले मैं क्यों पीने लगा? नहीं सर। नहीं पी? छोड़िए ना सर, बोतल तो पूरी भरी है, एक और पैक बनाता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? मेरी कीमती बोतल तोड़ दी। मेरी बात, मेरी पहले बोतल तोड़ता है, फिर मुझे लात मारता है। मैंने किया सर। सब बढ़िया है तांत्रिक, कैसा लग रहा है? मुझे भूल तो नहीं गए ना? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उस जादू के छड़ी के बिना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हे जिमी, मैं आ गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सारे बच्चे तुम्हारे बिना उदास हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो। ऐसा होना मुश्किल है, ये जेल है। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन क्या आया? जेल से बाहर जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फिर हम क्या करें? एक रास्ता है, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरी जगह पर तुम यहाँ रहोगे। आइला, क्योंकि हमारी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचान पाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, इतना स्टाइलिश कैदी उनको वैसे भी कहाँ मिलेगा। भूत तो है लेकिन बहुत फैशनेबल लगते हो। थैंक यू। हाँ, एक जरूरी बात, बाहर जो ऑफिसर बैठे हैं, अगर तुमने उन्हें अपनी सींग दिखा दी तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ, समझ गया। लेकिन हम लोग बाहर निकलेंगे कैसे? इस तरह से। मुझे इस इंस्पेक्टर का कर्ज उतारना। हाँ सही बोला, इसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम क्या गायब होके इसकी पुंगी बजाओगे? नहीं, गायब होने के बाद क्या मजा। मैं उसके सामने जाऊंगा और ये कर्ज उतारूंगा अपने जिमी स्टाइल में। जिमी का स्टाइल क्या इस जीनी के स्टाइल से भी ज्यादा अच्छा है? सही समझा। हाँ, तो फिर जाओ उतार लो कर्ज। जाओ सुपरिंटेंडेंट। तुम बाहर कैसे आए? ये मत पूछिए कैसे, ये पूछिए कि क्यों। क्यों? जिमी का स्टाइल तो एकदम सुपर रॉकिंग है, बदमाश कहीं का। चलो। मैंने जो भी कहा याद रखना और शरारत मत करना। चलता हूँ। मुझे कहीं का इन्हें तो फोन भी सुनाई नहीं दे रहा है। सर, आपको तो चढ़ गई है। सर, सर, उठ जाइए। क्या हुआ? क्या है? पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है सर? कोई कीड़ा आकर आपके नाक को काट गया है क्या? भाभी तो नहीं थी? मुझे जिम्मी ने मारा। हो नहीं सकता कि जिम्मी मारे, वो बेचारा तो जेल में बंद है। जिम्मी ने बाहर आके मुझे मारा। अरे आपको चढ़ गई है, जिम्मी तो जेल में बंद है, वो कैसे मार सकता है?
वो दूसरी स्कॉच। तुम दूर हटो। तुम यहाँ? क्या हुआ सर? सर आपका नाक तो एकदम लाल है, क्या किसी कीड़े ने काट लिया आपको? शायद वो कीड़ा मेरी तरह बड़ा होगा। तेरे बाप ने काटा। ए, बाप को बीच में मत लाना। तेरी तो... सर सर ये जिमी नहीं, भूत है भूत। चुप कर। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिमी जेल से गुल हो चुका है। जिमी ने अपने जैसे दिखने वाले एक जीनी को यहाँ रखा है। वो तुम्हारे पर कभी भी हमला कर सकता है, संभल के रहना। दोनों में बहुत दोस्ती है और हम उसी का फायदा उठाएंगे। पर उस जिमी को यहाँ कैसे बुलाए? उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है। अगर कहीं से ढूंढकर मेरी जादू की छड़ी ला दो तुम, तो उसके जादू से उस भूत को काबू कर लूंगा मैं, फिर जिमी अपने आप आ जाएगा। लेकिन बाहर रहकर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगा? जेल सुपरिंटेंडेंट बेवकूफ है, उसे बाटली दे दो, काम हो जाएगा। सुनो, कोरा आया था और ये तुम्हारे लिए छोड़ गया है। दीजिए सर दे दीजिए। तुम जेल में रहकर इस छड़ी का क्या करोगे? बहुत कुछ। बहुत उछल रहा था तू। मेरे पास आ, आजा, आजा। जिनी तू मेरे कब्जे में है, अब तू वही करेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। अदृश्यो भवतु। हमें अभी अभी खबर मिली है कि जंबो सर्कस के मालिक का कत्ल करने वाला मुजरिम जेल से फरार हो गया है। वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो फौरन हमारे न्यूज चैनल या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। जिस शख्स की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसका साथीदार है। जिस वक्त वो जेल से फरार हुए उस वक्त ड्यूटी पर थे नए सुपरिंटेंडेंट एंड पुलिस। तुम यहाँ कैसे? प्लीज सर, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ताकि तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना सको। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं जमानत पर बाहर आया था। जब मेरे हाथ सबूत लगे तो मेरे दुश्मनों ने चाल चली और दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। फिलिपो की मौत का असली जिम्मेदार जंबो सर्कस का वो अकाउंटेंट कोरा है। वो पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उनके सारे गुनाहों की कहानी इस टेप में मौजूद है सर। अपनी जान पर खेलकर हमने इस सबूत को पाया है। आप हमारी मदद करेंगे ना? और कोई सबूत तो नहीं चाहिए? और क्या, ब्रेन मैपिंग, फोलोग्राफी, नार्को एनालिसिस, क्या तुम ये सब करना चाहते हो? अरे वाह शिशु बालन, देखा सर हमसे ज्यादा समझदार है। सर आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। माना आज तक प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन जितना बिकूफ देखता हूँ उतना हूँ नहीं। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम जो सच बोल रहे हो झूठ है। झूठ? तुम क्या हरिश्चंद्र की औलाद हो? तुम इसके चेले हो जो पैदा होते ही झूठ बोलने लगा। अगर जज ने इसको रिहा कर दिया तो मैं फिर इसको जेल में डालूंगा। सर यकीन मानिए इस बार हम सच बोल रहे हैं। चुप कर। तुझ पर यकीन करके मुझे पछताना नहीं है। तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे? कभी नहीं। शिशु बालन बोलो। सेंट मेरी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है जो बदकिस्मती से इस ईमानदार ऑफिसर की बेटी है। हम उसे किडनैप करके इन्हें डरा सकते हैं। हाँ। अगर ये तब भी ना डरे तो हम इनकी बीवी को किडनैप कर लेंगे जो उसी स्कूल में टीचर है। तब तो इन्हें डरना पड़ेगा ना? तुम किडनैप की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेके आओ। रसगुल्ला नहीं, उस कैसेट से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। इस केस को चुनौती की तरह स्वीकार करो।
पुलिस के पूरे इतिहास में आपके इस पूरे डिपार्टमेंट में इस तरह का केस किसी ने नहीं सुलझाया होगा। प्रेस और मीडिया में आपकी बहुत तारीफ होगी, आपकी तरक्की आसमान को छुएगी। सीआई, डीवाईएसपीआई, पीजीआई, डीजीआई, आईजी, बस बस इतने काफी है। आईजी बनने जितनी मैंने पढ़ाई नहीं किया। हाँ, और एक बात, जेल से भागे हुए कैदी हो तुम, बेहतर होगा तुम यही ठहरो, यहाँ कोई खतरा नहीं, ये पुलिस का घर जो है। हाँ, फिकर मत करो, फिलिपो की कातिल को सजा जरूर मिलेगी। शिशु बालक, बोलो। तुम कृष्णा और नैंसी को इसी वक्त सर्कस में लेकर जाओ, उन्हें भी देखना चाहिए कोरा को गिरफ्तार होते हुए। अब वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। हो क्या रहा है यहाँ पर? हम लोग सर्कस शिफ्ट कर रहे हैं सर। और मिस्टर कोरा कहाँ है? वो अंदर है सर। कॉन्स्टेबल अंदर चलो। पहले आप सर। मिस्टर कोरा। मिस्टर कोरा। आइए आइए सर, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल रहे? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पर क्यों सर? फिलिपो के कातिल के इल्जाम में। फिलिपो सर? सुना तुमने? आपको लगता कि फिलिपो सर का कत्ल मैंने किया? थोड़ा अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारे जुर्म का सबूत इस वीडियो टेप में मौजूद है। अरे ओ इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथ में वीडियो टेप नहीं बल्कि एक बिल्ली है। बा क्या बात है, खूब जमेंगे रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। तुम, मैं और मेरी बंदूक। चुपचाप अपना हाथ ऊपर करो, चलो हैंड्स अप। बहुत चालाक बनता है इंस्पेक्टर। ये क्या? मैंने इन्हें जमा दिया है, मूर्ति बन गया है इंस्पेक्टर। हमें तो वैसे भी पुलिस का डर नहीं, और अगर पुलिस मूर्ति बन जाए तो उन्हें मच्छर की तरह मसल सकते हैं। देखा, पुलिस ने असली मुजरिमों को पकड़ ही लिया। चलो चलो। सुनो कोरा, एक दिन तुम्हारी गिरफ्तारी होनी ही थी, मुझे इसका यकीन था। ओ कृष्णा, तुम्हें लगता है ये मूर्ति मुझे गिरफ्तार करेगी? इन्हें तो किसी म्यूजियम में रखना चाहिए। ये सब इस तांत्रिक की मायावी शक्ति से हुआ है। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ मौत के मुंह में आ गए, तुम्हें पता नहीं तुम लोगों ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। सारा पैसा, सोना और प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हारे पिता के मरते ही हमने उसे अपनी तिजोरी में रख लिया था। यहाँ पर अब सिर्फ तुम और तुम्हारे जैसे बेकार जानवर ही बचे हुए हैं। इस सर्कस को अगर मैं आग लगा दूं तो जानते हो कितना मजा आएगा? जिस सर्कस को तुम्हारे पापा ने बहुत संभाल के रखा था वो जलकर खाक हो जाएगा। कल के अखबार की हेडलाइन में ये खबर छपेगी कि कृष्णा, शिशु बालन, नैन्सी और ये प्यारे प्यारे बच्चे जंबो सर्कस में जलकर राख हो गए। लगेगा जैसे सर्कस में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे मिलेंगे करोड़ों रुपए इंश्योरेंस के। उन्हीं पैसों से मैं अपने नए सर्कस की शुरुआत करूंगा। प्यारे बच्चों, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, न भगवान और ना ही तुम्हारा वो दोस्त जीनी, क्योंकि इस तांत्रिक ने तुम्हारे उस दोस्त को फिर से पकड़कर बोतल में बंद। आग लगाने से पहले हमें उस जीनी को यहाँ लाना होगा। और इन लोगों के साथ क्या करने का सोचा है? अरे इतना टेंशन क्या है, इन सबको यहाँ जला देते हैं, फिर ना कोई कंप्लेंट होगी ना ही कोई केस होगा। पर उस जीनी को यहाँ कैसे बुलाए? मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम इन बच्चों को और अपने दोस्तों को मेरे कब्जे से छुड़ाना चाहते हो तो जिमी को यहाँ लेकर आओ। हमारे
तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। तुम ऐसा करोगे या नहीं? नहीं। पक्का? क्या करता है मेरी इतनी बचान? मुझे मेरी बात माननी ही होगी। जेले। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। सुना नहीं तूने? बटलू, कुत्ते की तरह काटता है। अब इंतजार किसका कर रहे हो? बंद कर दो सबको पिंजरे में और जला डालो, जला डालो। छोड़ दो, हमें जाने दो। उन सबको जिंदा जला डालो। मना करने का नतीजा देखा तुमने? सिर्फ तुम्हारी वजह से इन सब की ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जंबो सर्कस के मालिक का खून किया वो मुजरिम जिम्मी जेल से फरार हो चुका है। वाह, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा तो था जब तक मैं लौटता नहीं तब तक तुम जेल में ही रहोगे, पर तुम तो मुंह उठा के यहाँ पहुँच गए। तुम भी क्या करते हो यार? यहाँ देखो, मेरे फरार होने की तस्वीर आ रही है। पकड़ने की कोशिश ना। मुझे धोखे से तांत्रिक ने फिर से पकड़ लिया, इसीलिए मैं मजबूर था। तो तुम उस तांत्रिक के डर से जेल से भाग गए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वैसे तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? नैन्सी, कृष्ण और बच्चों को कोरा और उसके आदमियों ने बंदी बना लिया है और तुम्हें वहाँ बुलाया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ आओगे तो लोग तुम्हारे स्वागत में खड़े होंगे? फाइटिंग का बहुत शौक है तुम्हें, तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। ये लड़े बिना नहीं मानेंगे। तुम थोड़ा मेरा साथ दोगे? तुमने तो कमाल की ताकत दे दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब समय आ गया है पूजा और यज्ञ करके इसकी सारी शक्तियां मैं ले लूं। अरे ओ कातिल कोरे, देखो ये जिंदा ना जाने पाए। हाँ?
देख क्या रहे हो, जाओ उस बुजिया को फिर से जलाओ। जाओ जाकर बच्चे को बचाओ। हाँ हाँ जाता हूँ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ। पहले आप सर। अरे मैं ठीक हो गया। ऐसा कुछ हो जाए कि मैं उस कमीने को मार पाऊं। जाओ मारो। क्या? अरे मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। पिज़्ज़ा पावर, गो गेट इट। हैला चौका। हैला और ये छक्का। मजा आ गया। हो मेरी भाई, मेरी भाई भूत अंकल देखो एक और आया। और ये सीधा बाउंड्री के बाहर। ओ कैसा फील्डिंग करता है यार। Huh?
अगर हमने इसे पुलिस के हवाले किया तो ये फिर से जमानत पर छूट कर वापस आ जाएगा। सही बोला। और तुम जैसे जीनियों की जिंदगी हाँ। ये तांत्रिक नर्क बना देगा। बोलो इसे क्या सजा दूं? अपुन को इसने कुत्ता बनाया था, तुम इसको हिप्पोपोटामस बना दो। सुन बे, क्या मैं तुम्हें इस जादुई छड़ी से हिप्पोपोटामस बना सकता हूँ? हाँ बनाओ राइट नाउ। जिमी जिसे जो चाहे बना सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। मत करो ऐसा, मत करो। जो जैसा करेगा वैसे ही बनेगा। वाओ। ये सुनो बच्चों, इस हिप्पोपोटामस का राज किसी को मत बताओ। सबको अंदर बंद कर दो, कोई बच के जाना ना पाए। देवता जैसे मेरे दोस्त को दगा दिया है तूने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं छोड़ दो इसे, नहीं छोड़ूंगा। मुझे इसे कोर्ट में जिंदा पेश करना, छोड़ो। सही कहा, ये तो जेल जाएगा और जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ले जाओ इसे। इनका और एक साथी था ना तांत्रिक, वो कहाँ गया? राइट राइट राइट। अरे क्या कर रहा है? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सीधा सीधा। हमारे नए सदस्य से मिले। अच्छा आप कुछ तांत्रिक को ढूंढने की बात कर रहे थे? मेरे हाथ और पैर कानून से भी ज्यादा लंबा है, मैं उसे ढूंढ निकलूंगा। आप तो क्या, क्राइम ब्रांच क्या, सीबीआई क्या, इंटरपोल तक उसे नहीं ढूंढ पाएगा। देखते हैं, देख लीजिएगा। बहुत से लोगों का पेट इस सर्कस ने भरा है। फिलिपो सर के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम जहां भी जाओगी हम सब लोगों को आसपास ही पाओगी, है ना? अरे भाई अपना जीनी कहां चला गया? हाँ मैं आ गया। तो फिर प्रोग्राम क्या है आगे का? तुम यहाँ से जा रहे हो या हम लोगों के साथ चलोगे? अगर मैं शादी के काबिल होता तो नैन्सी के साथ शादी करके कब का यहीं बस जाता, लेकिन मैं तो बस एक दूध पीता बच्चा ही हूँ। याद है ना मेरी उम्र सिर्फ 500 साल ही है। अरे वाह, इस जिनी को तो शादी करनी है, यहीं रहना है या बोतल में डाल दूँ? पिज्जा पावर, गो गेट इट।